दोस्तों हम देख रहे हैं 2024 के लिए सैंपल पेपर केमिस्ट्री का और ये सैंपल पेपर नंबर तीन है एस यानी सैंपल पेपर नंबर तीन है इससे पहले सैंपल पेपर नंबर वन और सैंपल पेपर नंबर टू आपको दे दिया गया है अब सैंपल पेपर नंबर तीन आप देख रहे हैं इसके बाद सैंपल पेपर नंबर चार करवाया जाएगा और पाँचवा भी आपको दिया जाएगा तो इस तरह से कंप्लीट सोल्यूशन दे रहे हैं हम आपको और इनको पढ़ करके आप जो अच्छा है अच्छा स्कोर कर सकते हैं बस बसरते है कि आप इसकी तैयारी अच्छे तरीके से करें चलिए स्टार्ट करते हैं, हैं केमिस्ट्री के सॉल्यूशन को पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन जो आपका पता ही है कि आपके जो है दस नंबर के एम पूछे जाएंगे दस एम रहेंगे जो आपसे पूछे जाएंगे सेलेक्ट एंड राइट द करेक्ट आंसर फॉर द फॉलोइंग मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन एम के आपको आंसर्स को सेलेक्ट करना है पहला क्वेश्चन दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन डिफाइंस द एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन तो कौन सा रिएक्शन जो है डिफाइन करता है एंथेल्पी ऑफ फॉर्मेशन को तो आपको बताया गया होगा और यहां पे ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हाफ हाइड्रोजन जो गैस है आपका इसके साथ में हाफ क्लोरीन को गैस है ये भी आपका जब दोनों मिल जाएंगे तो आपको एस गैस जो है प्रोड्यूस हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है प्रोड्यूस हो जाएगा तो यहां पर जो है आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है ठीक है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द साइंस विच डील्स विद द डिजाइन एंड सेंथेसिस ऑफ मेटेरियल ऑन नैनो स्केल विद डिफरेंट साइज एंड सेप इज कॉल्ड तो उसको हम क्या बोलते हैं तो उस साइंस को हम क्या बोलते हैं हम उसको बोलते हैं नैनो तो केमिस्ट्री यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं यहाँ पूछा गया है एज टेम्परेचर इंक्रीजेज जब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है तो टेम्परेचर जब इंक्रीज होगा तो ऑस्मेटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा ठीक है क्या होगा ऑस्मेटिक प्रेशर एंड वेपर प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होगा तो हमारा कौन सा आंसर सही हो जाएगा यहां पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहां पूछा गया आपसे विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है एच टू एस का होता है सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट यानी कि बी ऑप्शन फिर से करेक्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है ओपन चैन फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज कंटेन क्या नहीं कंटेन करता है ओपन चैन फॉर्मूला तो ओपन चैन फॉर्मूला में एक चीज कंटेन नहीं होती है वो क्या होता है एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही हो जा रहा है फिर से आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं यहां पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग साल्ट डज नॉट हाइड्राइज इन वाटर तो कौन सा साल्ट जो यहां पे गिवन है वो हाइड्राइज नहीं होता है किसमें वाटर में यानी कि पानी में तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सोडियम नाइट्रेट जो है वो हाइड्राइट नहीं होता है तो सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट जो है द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन यहाँ सीधा सीधा आपसे पूछा गया है रेट कॉन्स्टेंट ऑफ ए रिएक्शन क्या होगा डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन ई ए डिक्रीज हो जाएगा विद इंक्रीज इन ई ए क्यों होगा इसका रीज़न क्या है आपको अच्छी तरह से पता है के का फॉर्मूला क्या होता है के इजल्स टू ए टू दावर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये होता है फॉर्मूला आपको पता होगा अब अगर आपका ई ए है जो देखिए ध्यान से यहाँ पर ई ए जो है ये क्या होगा ये इंक्रीज होगा कब होगा इंक्रीज ये ये इंक्रीज जब भी होगा जब ई ए अपॉन आर टी जो है पॉजिटिव रहेगा ठीक है और ये भी इंक्रीज हो ठीक है ये भी इंक्रीज हो तो तो आपका जो है ई ए इंक्रीज होगा लेकिन अगर यही आपका यहां पे ई ए अपॉन आर टी जो कि माइनस में गिवन है तो ई अपॉन आर टी क्योंकि माइनस में गिवन है तो क्या हो जाएगा ये डिक्रीज हो जाएगा अगर ये डिक्रीज होता है इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इस सीधा सीधा ए अपॉन आर टी डिक्रीज होगा तो डिक्रीज क्या हो जाएगा यहां पर यानी कि यहां पर डिक्रीज डिक्रीज हो जाएगा ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा भाई माइनस में पावर है तो ये डिक्रीज हो जाएगा अगर ये डिक्रीज हो होता है इसका मतलब के की वैल्यू क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी भी क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा अब के डिक्रीज हुआ तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जो है, वो क्या हो जाएगा रेट क्या हो जाएगा वो भी डिक्रीज हो जाएगा तो यहां पर डिक्रीज विद इंक्रीजिंग ई ए जैसे ही बढ़ाओगे आप तो सीधा सीधा रेट कांस्टेंट क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला मैंने आपको बता ही दिया आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और यहां पे देखा जाएगा द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ कैप्रोलेक्टम इज तो यहां पर रेट ऑफ सॉरी रेट नहीं नंबर ऑफ कार्बन पूछे गए हैं हमारे को नंबर ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन रिंग ऑफ कैप्रोलेक्टम इज तो आंसर क्या हो जाएगा कितने होते हैं अपने कैप्रोलैक्टम में ये होता है आपका कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड आप सभी को पता है कैप्रोलैक्टम जो है ये क्या होता है ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है राइट अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है ये होता है आपका सी एच टू और फाइव पी ओ एन एच है ना यही होता है आपका फॉर्मूला इसका तो इसके हिसाब से नंबर ऑफ प्रेजेंट कार्बन एटम्स कितने हो गए इसमें देख सकते हैं तो यहां पर पांच तो ये हो गए ठीक है और छठा ये हो, हो गया सिक्स हो गया यानी ठीक है ना तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पे करेक्ट हो जाएगा अगले क्वेश्चन की बात करते हैं जिसमें आपसे क्या पूछा गया है देखते हैं द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द एटोमिक लेयर्स इन क्यूबिक क्लोज पैकेजिंग इज अब यहां सीधा पूछा गया करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होता है जब आपका एटोमिक लेयर क्यूबिक क्लोज पैकिंग में तो इसमें होता है ए बी सी ए बी सी ए बी सी अब कौन सा करेक्ट हो जाएगा आपका जो सीक्वेंस होता है वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सीक्वेंस होता है ए बी सी ए बी अगेन सी देखो ए बी फिर सी फिर ए बी फिर सी और फिर ए बी और फिर सी ये होता है आपका तो क्लोज क्यूबी क्लोज पैकिंग में कौन सा आंसर सही हो जाने वाला है आपका इस ऑप्शन से अगर हम मैच करें तो तो देखते हैं ए बी सी ए बी सी यहाँ पे ए बी सी नहीं है ए बी ए ए है ये क्लोज हो गया ये भी क्लोज हो गया ये भी क्लोज हो गया यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा अब अगला जो प्रश्न है जो दसवा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में जो है ए जी सिल्वर जो है आपका ये बिलोंग नहीं करता है तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा प्रभु आगे के क्वेश्चन जो हैं इसमें आठ क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे और आठों के आठों उत्तर आपको देने होंगे जैसे पहला क्वेश्चन है आयुपेक नेम बताना है बेनजाइल एमाइन का जिसका आंसर मैंने यहाँ पे दे दिया है नेक्स्ट जो है डिफाइन ऑस्मोसिस क्या होता है इसकी डेफिनेशन आपको देनी है तो ऑस्मोसिस की डेफिनेशन जो है हम दे सकते हैं यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन ये हो जाएगा तीसरा जो आपसे पूछा गया है वॉट आर डायग्राम मैग्नेटिक डायरन मैग्नेटिक सब्सटेंसेज तो डाया मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन से होते हैं ये आपसे पूछा गया है तो इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया है हर सोल्यूशन आपको दिया गया है नेक्स्ट जो है गिव वन एग्जांपल इच ऑफ कोपोलीमर एंड होमोपोलीमर कोपोलीमर और होमोपोलीमर का एग्जाम्पल्स देने हैं एग्जाम्पल्स मैंने यहां पे प्रोवाइड किया हुआ, आपको. हुआ है आपको नेक्स्ट जो क्वेश्चन पांचवा है मोलर कंडक्टिविटीज एट इन फाइ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एम जी टू प्लस और बी आर माइनस आर वन हंड्रेड पॉइंट फाइव ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल एंड सेवेंटी एट पॉइंट टू पर आपका ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल है कैलकुलेट करना है मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो ऑफ तो अकॉर्डिंग टू कोहलरश लॉ के हिसाब से हम इसको सॉल्यूशन दे देंगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है व्हाट इज थर्मोडाइनामिक ियम ये बताना है इसका आंसर आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इज प्लस दिया गया है तब आपको बताना है तो यहाँ पे मैंने आपको दे दिया इसका आंसर तो इस तरह से सारे आंसर्स मैंने दिए हुए आठवां प्रश्न जो है ये रहा तो इसका भी आंसर आपको मैंने यहाँ पे दिया हुआ है तो ये आठ प्रश्न तो आपको कंपलसरी है जो करने करने हैं सेक्शन बी जब स्टार्ट होगा तो कोई भी आपको मात्र आठ ही क्वेश्चन करने होंगे केवल मात्र आठ क्वेश्चन ही करने होंगे एनी अटेम्प्ट एनी एट और आपको मिलेंगे कितने कम से कम बारह क्वेश्चन बारह में से केवल आठ करने जो आपको पसंद हो उसको करना ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको अच्छा लगे उसको करना तो जो है आपको आठ क्वेश्चन करोगे और आपको टू मार्क्स देगा हर क्वेश्चन तो आपको सोलह मार्क्स मिलेंगे आ ये जो स्टार्टिंग के क्वेश्चंस थे जो आपने देखे ये टोटल क्वेश्चन जो एटी थे और एटी ही के आंसर आपको देने होंगे ये सारे के सारे एट क्वेश्चन जो है ये आपको वन मार्क्स कैरी करके आपको एट मार्क्स देंगे यहाँ पर जो एट क्वेश्चन आपको करने हैं अगेन तो यहाँ पर जो एट क्वेश्चन करने हैं ये आपको टू मार्क्स देंगे पर क्वेश्चन ठीक है तो जैसे थर्ड क्वेश्चन देखोगे इसका आंसर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है प्रोवाइड किया हुआ है आपको थर्ड क्वेश्चन का आंसर ठीक है फॉर्मूला वगैरह सब लिख दिया है मैंने इस तरह से फोर्थ क्वेश्चन है इसका आंसर भी प्रोवाइड किया हुआ है इसके बाद आइए फिफ्थ क्वेश्चन इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर अगेन जो सिक्स क्वेश्चन है उसकी बात कर लेते हैं यहाँ पर ये आपका आंसर हो जाएगा इसके बाद जो सिक्स क्वेश्चन है इसका आंसर मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किया हुआ है आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो सेवंथ क्वेश्चन है इसका आंसर यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके बाद आइए एट क्वेश्चन पे ठीक है आठ क्वेश्चन हो गए यहाँ पे अब आइए नवा क्वेश्चन इन सभी में से कोई भी आपको आठ ही करने हैं और इसके बाद दसवा क्वेश्चन है इसका आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल बेसिस क्वेश्चन है ये ये न्यूमेरिकल है इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है मैंने इसके बाद में ग्यारह जो क्वेश्चन है इसमें टू आपके पोर्शन है दोनों पोर्शन को सोल्व करना है तो दोनों पोर्शन को सोल्व करोगे तो आपको टू मार्क्स मिलेंगे अगेन जो बारवा क्वेश्चन है इसमें भी आपके जो है टू क्वेश्चन पूछे गए छोटे छोटे तो इसके भी आंसर्स आपको प्रोवाइड करने होंगे अगेन जो थर्टीन क्वेश्चन है इसमें जो है आपको फिजिकल प्रॉपर्टी लिखनी है लगभग लगभग आपको दो फिजिकल प्रॉपर्टी लिख देनी है दो प्रॉपर्टी एनी टू लिख देना आपको एनी टू आप कर सकते हैं इसमें से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें डिस्क्राइब करना action following. तो यहाँ पर दो आपको actions जो है ग्लूकोज पे क्या करेंगे उसका आपको बता देना है तो जो आपको छोटा लगे ना वही क्वेश्चन करना मैं तो कहूंगा कि छोटे क्वेश्चन को जल्द से जल्द अटैम्प्ट करें आप बड़े क्वेश्चन के लफड़े में ना पड़ें सेक्शन सी जब स्टार्ट होगा तो यहाँ पे फिर से आपको आठ ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं फिर से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं आठ अटैम्प्ट यानी कि आपके ठ क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक क्वेश्चन आपको तीन नंबर का पड़ेगा यानी कि आपको चौबीस नंबर इस सेक्शन से मिल जाएंगे तो यहाँ पे भी आठ ही क्वेश्चन करने हैं ठीक है यहाँ पर देखो हमने देखा चौदह नंबर तक के क्वेश्चंस अब आते हैं पंद्रहवा नंबर क्वेश्चन जो है इसको भी अटेम्प्ट करोगे तो आपका आंसर जो है तीन नंबर के हैं थोड़े से बड़े आंसर्स होंगे लेकिन हर सारे, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो छोटे भी होते हैं तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है इसको कर सकते हैं सिक्सटी नंबर जो क्वेश्चन है इसके फर्स्ट और सेकंड पार्ट को हमें सॉल्व कर लेना है क्योंकि इसमें आपको दो पार्ट पूछा गया है पहला पार्ट तो ये है और दूसरे पार्ट में यहाँ पे पूछा गया है तो कैलकुलेशन भी करनी है हमें देखो और इसमें थर्ड पार्ट में जो हम निकाल देंगे इसके कैलकुलेशन का जो वैल्यू आती है वो अगेन जो सेवनटीन्थ क्वेश्चन है इसके आंसर हमें देना है इसमें भी आपको दो चीजें पूछी गई वॉट इज एस्टेरिफिकेशन एंड हाउ इज एन एस्टर ऑप्टेन फ्रॉम एल्कोहल और फिनॉल तो दोनों में से किसी एक को ही आपको देना है या तो एल्कोहल से ऑप्टेन करिए या फिनॉल से ऑप्टेन करिए दोनों में से किसी एक को ही देना है ठीक है तो एल्कोहल से भी हमने दिया है या फिर आपको फोनॉल से आता है तो फेनॉल से कर सकते हैं तो दोनों का दोनों ऑप्शन मैंने दिया हुआ है इसका सेकंड पार्ट में जो है आंसर मैंने दिया हुआ है सारे क्वेश्चंस के आंसर मैंने आपको दिए हुए हैं थर्ड इसके बाद 18 जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको दो पोर्शन पूछे गए फर्स्ट पोस्चन का आंसर ये हो जाएगा ठीक है और सेकंड पोर्शन का आंसर जो है नीचे की तरफ ये रहा इस तरह से आपके आंसर्स हो जाएंगे इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करनी है अगर आपको आपको पीडीएफ चाहिए सॉल्यूशन के साथ में कहीं भी आपको 2021, 22, 23 और चौबीस 20. जो भी सॉल्यूशन पीडीएफ चाहिए इसके लिए मैं नीचे इंस्ट्रक्शंस दे दूंगा इनको आप प्राप्त कर सकते हैं विद सॉल्यूशन आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे ये क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा नीचे आंसर आपको इस तरह से मिलेगा ठीक है तो कोई भी आप क्वेश्चन पेपर आप अपना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं तो आप फ्री ये वीडियो अवेलेबल है वीडियोस के माध्यम से जो है आप उसको उतार सकते हैं इसके आंसर्स को उतार सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उन्नीस नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां पे हम देख रहे हैं कि उन्नीस नंबर क्वेश्चन हो गया या तो आप यहां तक ही इसका स्ट्रक्चर इस निकाल सकते हैं या तो टू आ जाएगा यहाँ पे भी टू आ जाएगा किसी भी तरह से आप निकालिए यहां पर और ऑप्शन मैंने दिया हुआ है कि भैया इस तरह से भी आप निकाल सकते हो नेक्स्ट जो बीसवा क्वेश्चन अगर मैं इस वीडियो को समझाने बैठूं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा और उस वीडियो का आप देख नहीं पाएंगे प्रॉब्लम ये हो जाएगी अन्यथा मैं सारे वीडियोस को जो है मैक्सिमम जो आपको समझाने वाली वीडियोस हैं जिसमें मैंने आपका फिजिक्स करवा रखा है आपका फिजिक्स मैंने दिया हुआ है फिजिक्स कैसे करना है आपको समझाया हुआ है फिजिक्स के पाँच मॉडल पेपर में से एक मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ मैं ठीक है इस तरह से आपका बायो का जो है मॉडल पेपर वो भी एक मॉडल पेपर में दे चुका हूँ केमिस्ट्री का आप जो देख रहे हैं ये तीसरा मॉडल पेपर देख रहे हैं इंग्लिश का मैंने मॉडल पेपर दिया है आपको चौबीस के लिए सारे सारे दो के लिए दो एग्ज़ाम के लिए हैं ये सारे के सारे और इंग्लिश का वन मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ उसके अलावा जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं चाहे जुलाई एग्ज़ाम को हो रिपेट्स को हो सारे के सारे सॉल्यूशंस आपको प्रोवाइड किए गए हैं इसके अलावा मैथमेटिक्स के भी मैंने सॉल्यूशंस दिए हुए हैं अगेन जो आपका और भी सब्जेक्ट बचता है वो सारे सारे के सारे के सारे के सारे के सारे सोलूशन्स आ रहे हैं कंटिन्यूस सोलूशन्स आपको मिलते रहेंगे तो इन सोलूशन्स को देख करके आप तैयारी कर सकते हैं आप चाहें तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो यहाँ बीसवा जो क्वेश्चन है यहाँ पे पूछा गया है उसका आंसर मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखा है आप पढ़ लीजिए क्वेश्चंस और आंसर्स दे दीजिए तो इस तरह का आंसर्स है फिर इक्कीसवा क्वेश्चन है इसमें तीन क्वेश्चंस पूछे गए हैं तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स आपको देने हैं तो यहाँ पे याद रखिएगा आपको केवल केवल और मात्र कितने आठ क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है एट ओनली ओनली एट और ओनली एट अगर आप करते हो तो ध्यान रखना आप सिंपल करोगे सिंपल जितना सिंपल हो सकता है उतना सिंपल आपको क्वेश्चन को चूज करना है सिंपल चूज क्वेश्चन चूज करने हैं सिंपल क्वेश्चन आपको चूज करने हैं तभी जाके आप एग्जाम में जो है बेहतरीन परफॉर्मेंस दे पाओगे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आप देख सकते हो इसका तीन तो पार्ट मैंने बता दी तीनों के आंसर्स आप देख सकते हो ये रहा पहला दूसरा और तीसरा ये आंसर इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर भी आपको देखो तीन पार्ट देखने को मिल रहे हैं इन तीनों पार्ट्स के आंसर मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चंस को आपको अटैम्प्ट है जितना छोटा अटैम्प्ट करोगे उतना फायदे में रहोगे यहाँ पर ए और बी सेक्शन है ठीक है तो इसका आंसर ए सेक्शन का ये रहा बी सेक्शन का ये रहा ये भी छोटा सा आंसर है तो इस तरह से आपको छोटे से छोटा क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है तो आप चाहे तो नाइन्टी फाइव नाइन्टी एट नाइन्टी सिक्स परसेंटेज के आसपास जा सकते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है कि जो मैं आपको सलाह दे रहा हूँ उसको मानते हैं नहीं मानते हैं लेकिन क्वेश्चंस आपको सारे तैयार करने हैं आंसर्स जो एग्ज़ाम में आपको लिखने हैं वो छोटे क्वेश्चंस के ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि बड़े क्वेश्चन के चक्कर में पढ़ोगे तो आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी यहाँ पे टू पार्ट्स हैं तो टू पार्ट्स के यहाँ पे मिनरल्स और ओर्स में क्या डिफरेंसेज होते हैं क्या होते हैं या फिर मिनरल्स की डेफिनेशन पूछ सकता है ओर्स की डेफिनेशन पूछ सकता है सेकंड पार्ट आपका पूछा गया है उसका आंसर हो गया तो ये देखो लंबा है तो मैंने यही कहा कि आप जो है ना छोटे छोटे पार्ट्स को अटेम्प्ट करें जितना हो सके न्यूमेरिकल अगर आप करते हैं तो वो सबसे बेस्ट है तो नुमेरिकल ये रहा आपका इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपका ट्वेंटी सिक्स नंबर जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको तीन पार्ट्स जो है दिए गए हैं इन तीनों पार्ट्स को सॉल्व करना है और ये देखो कितना छोटा सॉल्यूशन है यहाँ पे आपको सीधे सीधे तीन तीन नंबर मिलने वाले सेक्शन डी जो है यहाँ पर कोई भी तीन ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने सत्ताईस से लेकर इकतीस तक के क्वेश्चन मिलेंगे आपको ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन फिर देन थर्टी और थर्टी वन पांच ऑप्शन मिलेंगे आपको यानी पांच क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं फाइव क्वेश्चन अगर आपको मिलते हैं तो इस फाइव क्वेश्चन में से आपको थ्री क्वेश्चन करने ठीक है, है? यानी कि सीधा सीधा बता दूं तो तीन क्वेश्चन आप करते हो तो एक क्वेश्चन आपको चार नंबर देगा यानी कि बारह नंबर यहां से कंप्लीट होते हैं सेक्शन डी से तो यहां पर सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन इसमें ए और बी पार्ट है अब यहां पे भी छोटे और बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं ध्यान रखना और सबसे ज्यादा क्वेश्चन छोटा होता है लास्ट वाला ठीक है अभी देखते जाओ सत्ताइस नंबर जो क्वेश्चन है ए और बी सेक्शन ए और अगेन जो है बी सेक्शन दिखाता हूं आपको रहा बी सेक्शन ठीक है अब आओगे अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन पे तो अट्ठाइस नंबर देखिए इसमें भी दो सेक्शन है लेकिन ये दो सेक्शन जो है आपको थोड़े से लंबे पड़ रहे हैं इसके बाद देखिए उनतीस नंबर क्वेश्चन ये छोटा क्वेश्चन है आपको केवल क्या करना है डिफाइन करना है तो तीनों को डिफाइन कर दिया तो ये हो गया हमारे पास आंसर सिंपल सिंपल क्वेश्चन उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें आपको जो न्यूमेरिकल बेसिस से मैं बोल रहा हूँ न्यूमेरिकल जितना हो सकता है आप करिए और एक्सप्लेन कर देना है सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स कैसे होती है तो एक्सप्लेन कर सकते हो आप पहला पार्ट हो जाएगा ये दूसरा पार्ट हो जाएगा आपका नेक्स्ट जो थर्टी वन और लास्ट क्वेश्चन जो है और कैसे पीडीएफ आपको प्राप्त करनी है इंस्ट्रक्शंस नीचे देने वाला हूं साथ ही साथ आपके सामने जो है प्लेलिस्ट का एक थंबनेल आएगा चाहे तो आप उस पर क्लिक करके सारे सब्जेक्ट्स के सॉल्यूशंस आप देख सकते हैं ए और बी पार्ट आपको पूछा गया है और ए पार्ट तो ये रहा और बी पार्ट जो है नीचे की तरफ हम दिखाए ए पार्ट में देखो जी ये दो तीन चीजें आपको लिखनी होंगी और बी पार्ट में केवल स्ट्रक्चर बनाना है अब आ, आज जाइए नोट जो मैं आपको करवा रहा हूँ कि आप जो वीडियो का आंसर देख रहे हैं कोई भी आंसर पी डी चाहे किसी भी वीडियो का आंसर पी आप देख रहे हैं तो उसको पचास में आप ले सकते हैं आपको दो मीडियम दिया गया है या तो आप गूगल पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं या फोन पे के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं और जब भी आप पेमेंट करेंगे उसका स्क्रीन जो है हमारे व्हाट्सअप नंबर पर भी भेज देंगे व्हाट्सएप नंबर या यू नंबर दोनों ही मेरा सेम है हमारे इंस्टीट्यूट का है ये तो ये सेम नंबर है कई बच्चे कमेंट में पूछते हैं कि सर आपका व्हाट्सएप नंबर क्या है या यू नंबर क्या है तो ये रहा इसीलिए लिखा गया है आपके लिए और व्हाट्सअप नंबर मैंने बता दिया कि सेम ही रहेगा यू नंबर भी सेम है तो आप इस व्हाट्सएप पे जैसे ही आप अपना स्क्रीनशॉट भेजते हैं और जो भी आप पेपर मांगना चाहते हैं जो भी आपको सोलूशन चाहिए उसका भी स्क्रीन भेज देंगे तो बेस्ट रहता है तो आप अपना स्क्रीन भेजिए और अपना क्वेश्चन पेपर का आंसर विद सोल्यूशन प्राप्त कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके जो है ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जा सके जो भी सॉल्यूशंस अपलोड किए जाएं तो वो तभी आपको मिलेंगे जब आपने सब्सक्राइब किया होगा चैनल को क्योंकि बहुत सारे जो है सॉल्यूशंस आ रहे हैं फिर आपके ऊपर से कौन कौन सा सोलूशन निकल जाएगा बाद में आप पछताओगे सर एग्जाम हो गया और मैंने ये पढ़ा नहीं था लास्ट ईयर मैंने केमिस्ट्री का एक पेपर डाला था और उसमें से थर्टी के थर्टी वन आ गए थे थर्टी के थर्टी वन आ गए थे तो आप सोच सकते हो कि पेपर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं हाँ हम हर बोर्ड के लिए जो है जब तैयारी करवाते हैं तो आपका जो सॉल्यूशंस है वो कंप्लीट देते हैं थैंक यू वेरी मच हैव है गुड डे